हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। मैं प्रदीप शर्मा स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर निकाले गए 1983 पीटीआई के रिक्त पदों को भरने के लिए 23 अगस्त को हुई थी लिखित परीक्षा। अब इस लिखित परीक्षा का रिजल्ट आ चुका है तो पीटीआई के करीब अब आधे पद पर खाली भी रह गए हैं। पदों की तुलना की जाए तो बहुत कम उम्मीदवार लिखित परीक्षा में पास हुए हैं और एचएसएससी ने आज पीटीआई रिजल्ट घोषित कर दिया है। तो हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने शनिवार को रिजल्ट घोषित करते हुए सफल उम्मीदवारों को और स्क्रूटनी के लिए 1 से 3 अक्टूबर तक बुलाया है। तो एक बार से मैं आपको नोटिस दिखा देता हूँ कि क्या एचएसएससी ने पीटीआई रिजल्ट को लेकर नोटिस दिया है और कब आपको डीवी और इंटरव्यू के लिए बुलाया गया है। और मैं आपको बता देता हूं, अभी भी रिजल्ट घोषित करने के बाद भी अभी भी आधे पद खाली हैं। तो जल्दी से जुड़ जाइए। अगर आप पीटीआई भर्ती से रिलेटेड हैं तो आप इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन इस चैनल के माध्यम से मिलती रहे। तो चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो की। तो दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हो हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से पीटीआई का रिजल्ट घोषित कर दिया गया है। और क्या बताया इस नोटिस में, तो देख सकते हो यहाँ पर नोटिस टू द कैंडिडेट फॉर स्क्रूटनी ऑफ डॉक्यूमेंट कम इंटरव्यू फॉर द पोस्ट ऑफ पीटीआई स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट हरियाणा अगेंस्ट एडवर्टाइजमेंट नंबर और कैटेगरी नंबर यहाँ पर आप देख सकते हो। तो आप सभी जानते हैं कि 23 अगस्त 2020 को आपका जो पीटीआई पोस्ट थी उसके लिए एग्जामिनेशन हुआ था। तो अब इसके लिए यहाँ पर देख सकते हो रिजल्ट घोषित कर दिया गया है और आपको इंटरव्यू और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया है। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि टोटल 1983 पोस्टें थी, तो यहाँ पर देख सकते हो जनरल की 940 पोस्टें हैं। तो यहाँ पर रोल नंबर आप सर्च कर सकते हो। तो अगर आपका इसमें रोल नंबर है तो आपको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन। तो यहाँ पर आप अपना रोल नंबर सर्च कर सकते हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ, कुल 940 सामान्य पदों में से कुल 509 जो कि जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट हैं उन्हें सिलेक्ट किया गया है, बाकी के पद खाली रह चुके हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ तक जनरल की यहाँ पर 509 टोटल 509 कैंडिडेट को सिलेक्ट किया गया है 940 में से। तो टोटल 940 कैंडिडेट थे, तो योग्य अभ्यर्थी ना मिलने के कारण से यह पोस्टें खाली रह चुकी हैं। तो अब बात कर लेते हैं SCA की। तो यहाँ पर देख सकते हो SCA की 200 पोस्टें और SCB की भी 200 पोस्टें हैं। तो देख सकते हो तो इसमें देख पाओगे आप कि टोटल 100 कैंडिडेट SCA और SCB की टोटल यहाँ पर 200 पोस्टें थी। तो टोटल इसमें से आपको 100 ही यहाँ पर पोस्टें फिल हुई हैं। तो देख सकते हो, तो BCA की यहाँ पर है 318 पोस्टें और केवल यहाँ पर 136 कैंडिडेट ही BCA कैटेगरी में पास हुए हैं। तो यहाँ पर आप अपना रोल नंबर सर्च कर सकते हो। BCB, तो BCB की बात करें तो BCB में यहाँ पर देख सकते हो 216 कैंडिडेट हैं और लगभग 136 कैंडिडेट ही BCB में भी सिलेक्ट हुए हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो। तो इसी तरीके से आप अपना यहाँ पर देख सकते हो रिज़ल्ट यहाँ पर अपने अपनी कैटेगरी में। तो ESM जनरल की 72 पोस्टें थी और यहाँ पर आप अपना रोल नंबर देख सकते हो। टोटल 37 कैंडिडेट को यहाँ पर सिर्फ सिलेक्ट किया गया है। ESM SCA, तो ESM SCA और B की यहाँ पर कुल 2 पोस्टें थी और यहाँ पर एक ही कैंडिडेट यहाँ पर इन्हें मिला है। तो रोल नंबर यहाँ पर आप देख सकते हो। तो इसी तरह आप अपनी कैटेगरी वाइज यहाँ पर रोल नंबर सर्च कर सकते हो। अब बात कर लेते हैं कि आपको इंटरव्यू और यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कब बुलाया गया है। तो देख सकते हो नोट में, द स्क्रूटनी ऑफ डॉक्यूमेंट कम इंटरव्यू ऑफ द अबव कैंडिडेट विल बी हेल्ड ऑन 1, 2, 3। तो यहाँ पर देख सकते हो कि आपको 1 से 3 अक्टूबर तक एंड 4 अक्टूबर तक, यहाँ पर देख सकते हो 1, 3 और 4 अक्टूबर को आपको इंटरव्यू के लिए यहाँ पर बुलाया गया है। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि आपके इंटरव्यू के एडमिट कार्ड कब से डाउनलोड शुरू हो जाएंगे। तो यहाँ पर डेट मेंशन की हुई है, तो 27/9/2020 से आपके इंटरव्यू के लिए एडमिट कार्ड डाउनलोड शुरू हो जाएंगे। तो आज से, यानी कि आज से आपके इंटरव्यू के लिए एडमिट कार्ड PTI के लिए डाउनलोड शुरू हो जाएंगे। और यहाँ पर देख सकते हो, स्क्रूटनी ऑफ डॉक्यूमेंट विल बी कंडक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ एडवर्टाइजमेंट नंबर 6 डेटेड 20/7/2006। तो जो भी आपके स्क्रूटनी ऑफ डॉक्यूमेंट होएगा वो एडवर्टाइजमेंट नंबर 6/2006
छः डेटेड जो 20/7/2006 का नोटिस था उसके अकॉर्डिंग होंगे। एंड रोल नंबर यहाँ पर एक मेंशन किया हुआ है, यहाँ पर आप देख सकते हो, तो इसे भी स्क्रूटनी ऑफ डॉक्यूमेंट के लिए यहाँ पर बुलाया गया है। और यहाँ पर आप देख सकते हो फोर्थ पॉइंट में, अगर अगर कोई भी कैंडिडेट स्क्रूटनी ऑफ डॉक्यूमेंट के लिए प्रेजेंट नहीं होता है तो उसे कोई भी अपॉर्चुनिटी उसमें फ्यूचर में नहीं दी जाएगी, तो यहाँ पर देख सकते हो। एंड यहाँ पर देख सकते हो रिज़ल्ट जो आपकी ऑफिशियल वेबसाइट पर भी अपलोड कर दिया गया है, तो वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो गाइस देख सकते हो ये इन्फॉर्मेशन थी PTI भर्ती से रिलेटेड। तो आपको इंटरव्यू के लिए आप बुलाया गया है 1, 3 और 4 अक्टूबर को आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया गया है। तो गाइस अगर आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर भी कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, आई होप यू लाइक द वीडियो।